वैसे कल सबने हमें साथ देखा, लेकिन हमने नहीं देखा कि हम एक दूसरे के साथ कैसे लगते। बहुत रिलैक्स है ना? और यहाँ मेरी जान के ऊपर बनी हुई। क्यों? क्या मतलब क्यों? हम तो लांटी आ जाएंगी तो अजाब हो जाएगा मेरे ऊपर। प्लीज आए। तो क्या हुआ? देखो कल किसने देखा? हो सकता है मामा के पास तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज भेजने का कोई, हो सकता है वो खुशी खुशी कबूल कर ले तुम्हें। बदगुमानी की भी हद होती है ना? बदगुमान होने से तो बेहतर है कि हम पॉजिटिव होकर सोच लें। समी को नींद आ रही है, मुझे सुलाना, आप जाएं। अच्छा, अचानक नींद आ गई इसे। यार तुम अभी से हमारे दरमियान आ गए हो। जब बड़े हो गए ना तब तुमसे बदला लूंगा। ये हमारे दरमियान नहीं, हमारे साथ। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है अगर आप समझे तो। समी मेरी जिंदगी का सच है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके ऊपर बोझ बन रहा है तो बता दीजिएगा, इसको यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। इसको बांटना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं चाहती कि ये किसी पे बोझ बने। मोमिना, बदगुमान और मायूस होने की भी हद होती है यार। मैं इस टॉपिक पर अभी बात नहीं करना चाहता तुमसे। मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागूं तब तुम शिकवा करना ना मुझसे। तुम हर वक्त ही शुरू हो जाती हो यार। अरहम मेरा ये मतलब नहीं था अरहम, प्लीज। तुम सुबह सुबह वहां से क्यों आ रहे हो? या फिर पूरी रात उसके साथ गुजारी तुमने? फजूल बातें मत करो मुझसे। फजूल बात नहीं है ये अरहम, अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद तो पूछने का हक रखती हूँ ना मैं। देखो अरहम, मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारे उस लड़की के दरमियान क्या चल रहा है। लिसन फिजा, मैंने अभी तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया है कि तुम मेरे आने जाने या उठने बैठने के बारे में कोई सवाल करो। आई थिंक तुम वॉक के लिए जा रही हो, जाओ। मेरा टाइम वेस्ट ना किया करो। टाइम तो तुम वेस्ट कर रहे हो ना इस आने जाने में। मुझे तो समझ नहीं आता अरहम कि तुम्हें डर किस बात का, तुम आखिर मान क्यों नहीं लेते? फिजा, बात क्या है, तुम इतनी टेंस क्यों हो? और तुम अरहम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अब ये तमाशे इस घर के नौकरों के सामने हुआ करेंगे? जब घर के नौकरों को सर पे बिठा लिया जाए तो तमाशे तो होने हैं ना आंटी। फिजा, माइंड योर लैंग्वेज। क्या तुम दोनों जाहिलों की तरह लड़ रहे हो? घर का सारा माहौल धरम भरम करके रखती है, अंदर चल के बात करो। नहीं आंटी, बात तो यहीं पे हो। इनफैक्ट क्यों ना हम लोग उस कमरे के बाहर जाके बात करें जहाँ अरहम ने रात गुजारी है। आंटी आप इससे पूछो, आपको आज अरहम से पूछना ही होगा कि आखिर ये चाहता क्या है। किसे धोखा दे रही है, मुझे या खुद को? मामा लिसन टू मी, मामा। आखिर आज तुम मुझे ये बता ही दो कि अपना घर छोड़कर यहां पर क्यों पड़ी हुई हो और मेरे घर का सुकून बर्बाद क्यों कर रही हो? आप हाँ हाँ बताओ मुझे, मैं सुनना चाहती हूं। कब मेरा ये गेस्ट रूम छोड़कर जाओगी तुम? जैसे ही बाबा का कातिल मिल जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। आपके पहले ही बहुत एहसान है, मजीद एहसान नहीं लेंगे। यहाँ कौन कब तक रहेगा और कौन यहाँ से चला जाएगा, आई थिंक इसका डिसीजन अगर पापा लें तो ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी बात समझ के नहीं की। उनके सामने तो सिर्फ रो दो तो वो मोम हो जाते हैं।
अब मुन्ना की वजह से तुम्हारे और फिजा के दरमियान जो मिस अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई है, उन्हें तो ये बात कभी समझ में आने वाली है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम रात रात भर इस कमरे में गुजारोगे तो इस तरह का रिएक्शन तो आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से चले जाएं और तुम अपनी शादी की तैयारी को टाइम दो। फुगौस एक मम्मा, मैं पूरी रात के लिए इसके रूम में नहीं था। आप भी फिजा की बातों में आ रही हैं। बेटा, जो आंख देखती है ना, उसे झुटलाना मुश्किल हो जाता है। और हम हैं इज्जतदार लोग, अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आंटी, किसी और की बेइज्जती करने से खुद इज्जतदार होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। आबी, मम्मा आए, आप वॉक के लिए लेट हो रही हैं, मुझे भी जाना आइए प्लीज। तुम अभी बहुत छोटी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। देख लिया बेटा तुमने, छोटे लोगों को मुंह लगाने का नुकसान, ना बड़ों का कोई लिहाज है और ना ही आंखों में कोई शर्म। तो मुझे ये बताओ कि कासिद को पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है? इतना डिले क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है आखिर? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैं चाहती हूं कि ये लोग जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। मैं इन लोगों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कासिद, कासिद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मामा कासिद को जानती है? हाय हाय, ये चाय है कि बारिश का गदला पानी? तौबा, मैं तो नहीं पी रही। हाय अल्लाह, मेरे अच्छे दिनों को किसकी नजर लग गई? कौन खा गया मेरी जिंदगी? कासिद के बच्चे, तुझे तो अल्लाह पूछे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद थी, मेरी भी कर दी। बेखैर, चल के मामा को बता देते हैं कि मेरा निकाह तुमसे हो गया है, अब मैं फिजा से नहीं बल्कि तुमसे शादी करूंगा। अरे हम पागल हो गए हैं क्या? हाँ, और मुझे पागल होने पर तुमने तो मजबूर किया है इतनी मासूम मासूम बातें करके। अब बंदा तो बशर है, बहकेगा नहीं तो और क्या करे। हारा दिल सजना बे हारा दिल सजना बे हारा दिल सजना बे सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे। अभी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़, पुलिस ने कासिद और उसके पूरे गैंग को अरेस्ट कर लिया। फराज, तुम सच कह रहे हो? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी खबर सुनाई है। मैं अभी जाके आप ही को बताती हूँ, वो सुनकर बहुत खुश होंगी। अच्छा तो वीडियो कॉल पर आ जाओ, मैं भी तो देखूँ ना तुम्हारी खुशी। क्या बकवास है। थैंक यू सो मच, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और जिंदगी ने कभी मौका दिया ना तो ये बदला जरूर वापस करूंगी। एहसान फरामोश नहीं हूँ। ये एहसान, बदला, थैंक यू, ये इस तरह के वर्ड्स बोलकर तुम ना मेरी फीलिंग्स को ना इंसल्ट कर रही हो। या अल्लाह, कैसे कर लेते हो इतनी मुश्किल बातें? तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही मजाक का कोई मूड है मेरा। और एक बात तुम सुन लो कान खोलकर, आइंदा ना ये मुझसे ये इस तरह के लहजे में बात नहीं करोगी तुम। समझ आ रही है ना तुम्हें? नहीं आई समझ, जाओ, क्या कर लोगे? हेलो, ये किसका गुस्सा है जो इस बेचारे से मासूम से सेल फोन पर उतारा जा रहा है? मामा, आप वो है कोई आपके बेटे की जिंदगी में जो हर वक्त ना मुझे बस गुस्सा ही दिलाती रहती? क्या मैं उसे जानती हूँ?
नहीं, अभी तक तो आप उसे नहीं जानती, पर आज के बाद आप उसे जान जाएंगी। मैं क्या समझूं, तुम मुझे बताना नहीं जा रहे हो या फिर इस हसीन सी लव स्टोरी के बारे में मुझे इत्तेफाकन पता चल गया? ये बताओ कब से चल रहा है ये सब? मामा क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है? ये किस तरह के सवाल करने लगी हैं मुझसे, टिपिकल औरतों वाले। बैठे 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 भाई, बैठ के बात करते। आप ही बाबा ने मुझे माफ कर दिया होगा ना, वो मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? वहां अल्लाह मियां के आप मेरे कारनामे याद करते होंगे, और पता है अम्मी से कहते होंगे तुम्हारी बेटी ऐसी तुम्हारी बेटी वैसी। नहीं आप ही पागल हो क्या? आज तो उनकी रूह को सुकून मिला होगा, तुमने उनकी बेटी होने का हक जो अदा कर दिया है। आप ही बस अब इन आंसुओं का आज आखिरी दिन है हमारी आंखों में, अब ना तुम रोगी और ना मैं रूंगी। कोई नहीं रोएगा। मैं सोच रही थी कि मैं फराज से बात कर लूं, उसका शुक्रिया भी अदा कर दूं और उसकी अम्मी से भी मिल लूं। अब तो एक मुलाकात हो जानी चाहिए। नहीं आप ही, अगर वो भी अम्तुल आंटी की तरह निकली तो